स्पाइडरमैन के प्रिंसिपल्स के अलावा हमारे पास में यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारे पास नॉर्मल 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। उन नॉर्मल के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल होता है यूज बोथ नॉलेज इन द वर्ल्ड एंड नॉलेज इन द हैंड। सेकेंड होता है कि आपने जो भी टास्क से परफॉर्म करना होता है उसके स्ट्रक्चर को आपको सिंप्लीफाई करना होता है। इसके अलावा आप जितनी भी चीजें रख रहे होते हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती है उनको आपको विजिबल करना होता है। Then you have get the mappings right. और इसमें फिफ्थ प्रिंसिपल होता है exploit the power of constraints. Number six होता है design for error. और seven में होता है when all else fails stand right. तो हम one by one इसको discuss कर लेते हैं। हमारे पास जो इसमें first वाला rule है वो हमारे पास है use both knowledge in the world and knowledge in the head. बोथ नॉलेजेस को हम यूज इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ये वाला जो नॉलेज होता है नॉलेज इन द वर्ल्ड, इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है हमारे सिस्टम की, उस एनवायरनमेंट के अंदर हमें नॉलेज यूजर को प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसको हमारे पास जो डोमेन नॉलेज आ रहा होता है, जो हमारे पास डोमेन होती है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, उस डोमेन की हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो डोमेन नॉलेज होता है या हमारे पास सिस्टम में जो नॉलेज हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो सिस्टम की एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं यूजर्स को, वो हमें अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करवानी चाहिए यूजर को, ताकि हमारा जो यूजर है उसके जो मेंटल मॉडल्स बन रहे हो या जो उसका नॉलेज इन द हेड है वो दोनों को यूज करके सिस्टम को यूज कर सके। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है उसकी एनवायरनमेंट में हमें नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करना होता है यूजर को, ताकि यूजर जो भी एक्शंस परफॉर्म करे या जो भी फंक्शनैलिटीज अचीव करने की कोशिश करे या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो उसके लिए उसके जो भी मेंटल मॉडल्स हो वो बहुत अप्रोप्रिएट और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यानी कि यूजर जिस तरह से चीजें सोच रहा होगा, जिस फ्लो में सोच रहा होगा, उसको अगर एनवायरमेंट में इसी तरह का फ्लो मिलेगा, फ्लो ऑफ एक्शंस, तो फिर हमारा जो यूजर है वो हमारे सिस्टम को ज्यादा इजीली यूज कर सकेगा और उसकी यूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टास्क। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल सा टास्क है तो उस सिंपल से टास्क को करने के लिए यूजर को ज्यादा एफर्ट को नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है जो हमने यूजर से परफॉर्म करवाना है तो इसमें हमारे यूजर्स को अपनी मेमोरी बहुत ज्यादा ना यूज करनी पड़े। अगर उसको बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करनी पड़ रही है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो यूजर का इंटरेक्शन है वो अच्छा नहीं है और आपके सिस्टम की यूजबिलिटी कम होगी। तो आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उन कॉम्प्लेक्स टास्क को हम छोटे छोटे टास्क में या पोर्शंस में डिवाइड करके यूजर को फैसिलिटी दे सकते हैं कि यूजर जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को अचीव कर ले। सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक बड़ा टास्क होता है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर टास्क में, उन टास्क को हम सिंप्लीफाई करते हैं और उन सिंप्लीफाइड टास्क की वजह से यूजर उस कॉम्प्लेक्स टास्क को ज्यादा इजीली परफॉर्म कर लेता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसमें आप यूजर को अगर अप्रोप्रिएट फीडबैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको साथ साथ गाइडलाइन देते जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, तो जो आपका यूजर है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाइड वे में परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स टास्क में कुछ चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं जो कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा हो और यूजर को उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें खुद से परफॉर्म ना करनी पड़े। तो हमारे पास ये वाली स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रूल इसमें होता है मेक थिंग्स विजिबल। मेक थिंग्स विजिबल का मतलब ये होता है कि आपके पास इंटरफेस के अंदर जितनी भी एक्शंस या यूजर्स को फंक्शनैलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज यूजर को विजिबल होनी चाहिए। इसमें बेसिकली हमारे पास जो गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ वैल्यूएशन होता है उसको हम अवॉइड कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे सिस्टम में जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं और जिस तरह से परफॉर्म हो सकते हैं वो सारा कुछ हमारे सिस्टम में यूजर के लिए विजिबल होना चाहिए और उसको इजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज की। नेक्स्ट हमारे पास होता है गेट द मैपिंग राइट। इसमें जो मैपिंग्स है इसका मतलब ये होता है कि आपका यूजर जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है उनमें आपने सिस्टम के अंदर उसको मैप करके करवाना है। यानी कि अगर आपका सिस्टम जो है उसके अंदर आपने यूजर को कंट्रोल दिया है कि वो फॉरवर्ड बटन प्रेस करता है तो आपके सिस्टम में फॉरवर्ड मूव होना चाहिए। अगर तो वो बैकवर्ड प्रेस करता है तो उस कंट्रोल के थ्रू आप इस कंट्रोल को बैकवर्ड मैप करेंगे।
जैसे आपके पास जो मैपिंग होती है ना, उनमें हम बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है और कितना काम करता है। जैसे आपके पास स्लाइडर्स होते हैं या स्लाइड बार्स होती हैं, उनमें अगर आप ज्यादा स्लाइड करें तो आपके पास ज्यादा स्क्रीन जो है वो स्लाइड हो जानी चाहिए। अगर तो वो कम थोड़ा सा स्क्रोल हुआ है या थोड़ा सा उसको स्लाइड किया गया, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन शो होनी चाहिए वो स्लाइड से शो होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास जितने भी कंट्रोल होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, डायल होते हैं, उनके थ्रू यूजर अगर सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहा होता है तो आपको उसे क्लियरली मैप करके दिखाना होता है कि ये वाली चीज ये टास्क परफॉर्म करती है या ये वाला एक्शन परफॉर्म करती है। एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट में ये होता है कि हमारे पास जो भी चीजें होती हैं जो कि हम रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ एक्शंस होते हैं, या हम यूजर्स के ऊपर कुछ कंट्रोल या कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू हम अपने सिस्टम को यूजर के लिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीडियो को प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद आप उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वो जो प्ले का बटन होता है उसको वो ऑटोमेटिकली पॉज में चेंज कर देते हैं। तो आप कंस्ट्रेंट्स लगा रहे होते हैं या आप यूजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं कि अनलेस आप सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उसे नेक्स्ट एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने वीडियो को प्ले नहीं किया तो आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसे पॉज नहीं कर सकते अनलेस की वीडियो प्ले ना हो रही हो। इसी तरह से आप कुछ फंक्शंस डिसेबल कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस एनेबल कर सकते हैं, या अपने यूजर्स के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ताकि आपका जो सिस्टम है उसको करेक्ट वे में यूज किया जा सके। जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेंट्रलाइज रखते हैं, जैसे आप गूगल ड्राइव के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं और उसके अंदर एडिट की ऑप्शन रखते हैं, या आप ड्रॉप बॉक्स के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर्स अगर उसे एडिट करने लग जाए तो जो आपका डेटा उसके अंदर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एट अ टाइम उसको एक ही या एक ही पर्सन या एक ही यूजर उसको एडिट या मॉडिफाई करे। हमारे पास नेक्स्ट है डिजाइन फॉर एरर। और डिजाइन फॉर एरर में क्या होता है कि आपने अपने सिस्टम में ये चीज मेक श्योर करनी होती है कि आपका यूजर अगर कोई एरर कर देता है तो आप उस एरर से अपने सिस्टम को रिकवर किस तरह से करेंगे। तो ये वही वाला रूल है जिसमें हम एरर प्रिवेंशन और एरर हैंडलिंग की बात करते हैं कि पहले हमारा टास्क ये होता है कि हम अपने इंटरफेसेस को इस तरह से डिजाइन करें, उसकी यूजेबिलिटी इस तरह की रखें, उसकी ईज ऑफ यूज ऐसे रखें, उसकी लर्नेबिलिटी ऐसे रखें कि जो ह्यूमन पर्सन हैं या जो यूजर्स हैं वो उसके अंदर एरर करने के चांसेस कम से कम हों। और फिर सेकेंड हमारे पास टास्क ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एरर अकर हो जाता है तो हमने सिस्टम से उस एरर को कितनी जल्दी रिकवर करवाना है। हमारे पास जो लास्ट वाला रूल है इसमें वो है वन और एल्स फेल्स स्टैंडर्डाइज। इस रूल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ समटाइम्स ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या हम जिनके लिए इजी मैपिंग्स नहीं बना सकते। तो ऐसे केस में हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए खुद से कुछ स्टैंडर्ड्स बना लें और उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने स्टैंडर्ड्स को लेके चलें अपनी एप्लीकेशन के डिजाइन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्च बार डिजाइन करते हैं जो कि आपकी डेटाबेस में चीजें सर्च करती है, तो उस सर्च बार में हम ये कर सकते हैं कि हम यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं कि वो वन वर्ड से सर्च कर सकता है या टू वर्ड से सर्च कर सकता है या थ्री वर्ड से सर्च कर सकता है। तो अगर आप उसके अंदर चीजें इस तरह से लिखते हैं कि आपका जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसके साथ अगर आप प्लस लगाएंगे और फिर सेकेंड वाला वर्ड लिखेंगे तो आपका जो सर्च इंजन है वो बेसिकली ये करेगा कि वर्ड्स जो है वो जाके सर्च करेगा, इस तरह के वर्ड सर्च करेगा जहाँ पे फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड दोनों किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। अगर इस तरह की आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप चीजें स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप इस तरह की फाइल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें जिसमें आपके पास फर्स्ट वाला वर्ड है लेकिन सेकंड वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्लस की जगह पर माइनस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने डेटा बेस के अंदर जाके ये चीज सर्च करनी है कि आपके पास कौन सी ऐसे फाइल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आप वर्ड सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर्स प्लस आप उसके अंदर सर्च कर रहे हैं डेल, तो आप
कंप्यूटर्स प्लस डेल लिखेंगे तो वो आपको ऐसी सारी फाइल सर्च करके देगा जिसमें कंप्यूटर्स के साथ डेल का वर्ड ही यूज हो रहा है। अगर आप उसके अंदर माइनस का साइन लगाते हैं तो वो आपको ऐसी फाइल सर्च करके देगा जिसके अंदर कंप्यूटर का वर्ड है लेकिन डेल का वर्ड नहीं। इसी तरह से आप चीजों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं अपने लिए कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मैपिंग नहीं हो रही है तो आप यूजर को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके देते हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए हो और उस एप्लीकेशन के स्टैंडर्ड को तो यूजर जो है वो लर्न कर लें और उस लर्न किए हुए प्रोसेस को फिर वो आपकी एप्लीकेशन के साथ यूज करना स्टार्ट करें। तो जब हमारे पास बाकी रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं तो हम चीजों को स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए और फिर उस स्टैंडर्ड को हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज करते हैं। हमारे पास इन गोल्डन रूल्स और ह्यूरिस्टिक के साथ हमारे पास जो है ना इसके अंदर यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम बेसिकली ये करते हैं कि जितने भी डिजाइन रूल्स हमने पढ़े हैं जितने भी हम लोगों ने ह्यूरिस्टिक्स देखे हैं उन डिजाइन रूल्स और ह्यूरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी एप्लीकेशन को चेक कर रहे होते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है इसमें से कितने रूल्स को फॉलो करती है। तो अगर आप इन सारे रूल्स को सम अप करें तो आप अपनी सिस्टम की यूजेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो जब हम ऑप्टिमम यूजेबिलिटी की बात करते हैं कि आपके पास ऑप्टिमम यूजेबिलिटी क्या होती है तो उसमें आपके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। इन सारे रूल्स को वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे आपने ये देखना होता है कि आपका जो यूजर है उसके जितने भी गोल्स हैं वो सारे के सारे गोल्स आपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिए हैं और अगर आपने क्लियर अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो फिर आपके डिजाइन में वो रिफ्लेक्ट किस तरह से हो रहा है। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि आपके रियल वर्ल्ड में जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं आइकन्स हैं लैंग्वेजेस हैं वो सारे के सारे आपने मिमिक करने होते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि रियल वर्ल्ड में जो चीज जिस पर्पज के लिए यूज होती है उसी चीज के पर्पज के लिए आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यूजर को कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है या यूजर से कुछ एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं तो आपने उसको बहुत क्लियर किस्म की अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस देने होते हैं जो कि आपके यूजर्स फौरन से अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शंस परफॉर्म करें। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक स्क्रीन के ऊपर ना आपके पास एक मेजर एक्शन है। जैसे आपने सबमिट करवाना है तो आपकी सारी स्क्रीन के ऊपर उस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या जैसे आप फाइल अपलोड करते हैं तो उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि उस अपलोडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। इसके अलावा आपके पास जो डिजाइन है डिस्प्ले के वो उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं रखनी होती हैं। आपको लिमिटेड चीजें रखनी होती हैं। आपको चीजों को क्लटर्ड नहीं करना होता है चीजों को पाइल अप नहीं करना होता। आपको लिमिटेड ऑप्शन रखनी होती है ताकि आपका जो यूजर है वो लिमिटेड थिंग से स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले सके और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो टास्क परफॉर्म कर सके। इसके अलावा आपने कंसिस्टेंट रहना होता है। आपने ये देखना है कि आपके जितने भी डिजाइन हैं उनमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है। आपने स्पेसिफिक नॉर्म्स सेलेक्ट करने होते हैं जितने भी आप फंक्शन और लेआउट्स दे रहे होते हैं तो आपके पास जितने भी एस्टेब्लिश नॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे आपने फॉलो करने होते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने मैन्यूज का बटन कहाँ पे प्लेस करना है आपने क्रॉस का बटन कहाँ पे प्लेस करना है या आप अगर वेबसाइट्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें आपने नेव बार किस तरह की देनी है। तो जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स होते हैं फंक्शन या लेआउट्स के आपको वही वाले फॉलो करने होते हैं। ये ज्यादा बेहतर इसलिए होता है कि इससे आपके प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी इंक्रीज हुई होती है। यूजर्स जो पहले से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं उनका ही नॉलेज वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करके आपकी एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने सिस्टम के अंदर प्रॉपर फॉन्ट्स साइज यूज करना चाहिए। कलर्स कंट्रास्ट व्हाइट स्पेसेस सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की नहीं है तो आपने इसके अंदर एस्थेटिक्स को इन्वॉल्व करना होता है ताकि आपके सिस्टम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। आप एक क्लियर पिक्चर दे रहे हो अपने सिस्टम की और इसके अलावा आपने एक्सेसिबिलिटी के लिए डिजाइनिंग करनी होती है कि आपके सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। देन आप ये करते हैं कि आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी की इन्फॉर्मेशन आप यूजर को एक साथ नहीं डिलीवर कर देते बल्कि आप उनको स्मॉल पार्ट्स में डिलीवर कर रहे होते हैं और उनको इंटरैक्टिव सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आपने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आप इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन को आप उन्हीं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में बताते हैं जिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में यूजर ने वो वाले एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं
इसके अलावा आपने अपने सिस्टम के स्टेटस के बारे में फीडबैक देना होता है, जो कि यूजर को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि अभी आपका सिस्टम किस स्टेटस में है। आपके पास नेविगेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि आपने नेविगेशन सिस्टम यूजर में किस तरह के बनाए। अगर नेविगेशन सिस्टम अच्छे होंगे तो यूजर आपके सिस्टम की यूज को ज्यादा इजीली यूज कर सकता है, उसके अंदर चीजों को सर्च कर सकता है। इसके अलावा आपने यूजर को ये इंप्रेशन देना होता है कि यूजर अपने कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकता है, जैसे वो शॉर्टकट कीज जो है वो खुद से आप ड्रॉप डिफाइन कर सकते हैं कि आप इस फंक्शन के लिए ये वाली शॉर्टकट कीज रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपके पास उसके अंदर इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटरप्शंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं या आप पोस्ट लॉगिन और पॉपअप्स दे रहे हैं या यूजर्स को वैसे ही सजेशन देना स्टार्ट हो गए हैं, तो यूजर के लिए आपके प्रोडक्ट की यूजबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप जब भी फॉर्म से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं यूजर से, तो उसके अंदर आप ऑटो कम्प्लीट के ऑप्शन रख सकते हैं। आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं मेमोरी को, जो आपके सिस्टम की मेमोरी होती है, जिसके थ्रू आप उसके अंदर चीजों को फिल अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए आप ऑटो करेक्ट फीचर्स यूज कर सकते हैं। आप वार्निंग दे सकते हैं यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने यूजर के जितने भी एरर्स होते हैं उनको डायग्नोज करने में और उनसे रिकवर करने में यूजर को हेल्प करना होता है। हेल्प के लिए आप यूजर को डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये वाली डॉक्यूमेंटेशन जो है उससे यूजर की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और यूजर आपके एप्लीकेशन को ज्यादा इजीली यूज कर सकेगा। इसके अलावा आपको यूजर को कॉन्टैक्ट ऑप्शंस देनी होती है कि अगर यूजर आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो आपके साथ किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकता है। थ्रू मैसेजेस कर सकता है, थ्रू ईमेल कर सकता है, आप अपने ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है अनडू ऑप्शन का, जिसमें आप यूजर को ये ऑप्शन दे रहे होते हैं कि अगर उसने कोई एक्शन गलत परफॉर्म कर दिया है तो वो उसको अनडू कर ले। आपको अपने सिस्टम की यूजबिलिटी को चेक करने के लिए ये भी देखना होता है कि आपने अगर इमेजेस इंसर्ट किए हुए हैं तो उन इमेजेस के साथ आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है या नहीं की हुई है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है W3C के रूल्स जब हमने डिस्कस किए थे, तो हमने डिस्कस किया था कि हमें R टैग रूल प्रोवाइड करना चाहिए जो कि इमेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इन केस आपके पास जो आपका सिस्टम है या आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अगर कोई ऐसा बंदा यूज कर रहा है जो कि इमेजेस को नहीं देख सकता है, तो उस इमेजेस के लिए आपको अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अब अपनी प्रोडक्ट की यूजबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ना सर्वर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर्वर आपके पास किस तरह का लगा हुआ है, उसके अंदर पेज लोडिंग टाइम कितना होगा, आपके सर्वर का डाउन टाइम कितना होना चाहिए, आपके सर्वर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आप वो भी चीजें कंसिडर करते हैं। इसके अलावा आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन होती है ना उनके अंदर आपको ये भी देखना होता है कि आपके पास सर्टन स्क्रीन के डिजाइन डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें आपके पास जो ब्राउजर्स होते हैं उनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे आप स्क्रॉल कितना कर सकते हैं, आप स्क्रीन को किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, आपके पास लिमिटेशन उसके अंदर क्या है, तो आपको वो चीजें भी ऑब्जर्व करनी होती हैं। इसके अलावा आप जितने भी लिंक्स दे रहे होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वर्किंग होने चाहिए, वो सही डेस्टिनेशन पर भी जाने चाहिए, और आप जो भी लिंक्स दे रहे होते हैं उनको एक्यूरेटली आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आप इस लिंक से क्या कर सकते हैं। यूजेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूजर्स को ये भी करना चाहिए कि आप यूजर्स को रिप्रेजेंट करवा रहे हो पर्सोनास के थ्रू, तो आपको पर्सोनास यूज करने होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो यूजबिलिटी टेस्टिंग होती है उस यूजबिलिटी टेस्टिंग के लिए भी हम ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं, तो आपने गो थ्रू करना होता है यूजबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू भी कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर यूजबिलिटी टेस्टिंग किस तरह से हो सकती है। तो यूजबिलिटी टेस्टिंग या अवैल्युएशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास अवैल्युएशन का टॉपिक